राजधानी रायपुर के सिंधी समाज के तत्वाधान में देवपुरी स्थित गोधड़ी धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। समाज के संतों में युधिष्ठिला सदाड़ी दरबार मीरा अम्मा गोधड़ी धाम की उपस्थिति में 14 जोड़ों का सामूहिक विवाह और 51 बच्चों का जनेऊ धारण करवाया गया। वहीं इन 14 जोड़ों को समाज ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए डिनर सेट, कंबल और झूलेलाल की तस्वीर के अलावा घरेलू आइटम भेंट किया। सामूहिक विवाह में अलग अलग राज्यों और जिले से भी आने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। ये सिंधी समाज की तरफ से जिसमें हर साल करते आ रहे हैं हम लोग गोधड़ी वाले धाम में हर वर्ष ये शादियां होती है। खास करके हम लोग ढूंढते उसको हैं जो गरीब वर्ग की लड़कियां हैं जिसके घर में ऐसी सुविधा समान नहीं दे सकते उसके परिवार वाले, तो हम लोग चाहते हैं कि हम सब समाज वाले मिलके उनकी शादियां भी करवाएं। आज इस शादी में 14 जोड़े हैं और 51 बच्चों के जनेऊ संस्कार हुए हैं और उनको बच्चों को भी माता जी ने सम्मान से गिफ्ट भी दिया और शॉल भी पहनाई मीरा अम्मा ने। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ की बच्चियों की शादी हो रही है 14 जोड़ों की, उनको घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया जा रहा है। बाबा गोधड़ी धाम की तरफ से आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। हमारा गोधड़ी वाला धाम में संत बाबा गेलाराम साहब के जन्मोत्सव में 18वां आयोजन है। आज 14 सामूहिक शादियाँ हैं, 44 जनेऊ संस्कार हुए हैं और जनरल सिंधी प्रदेश पंचायत और गोधड़ी वाला धाम के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है ये जो आयोजन है। करीबन हजारों और प्रदेश के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भी प्रविष्टियाँ आई हैं और बाबा के आशीर्वाद से बाबा के जन्म पे केक भी काटा जाएगा और सभी सेवादारी इसमें सेवा कर रहे हैं। क्लिपर 28 के लिए कैमरा पर्सन छन्नू सिन्हा के साथ घनश्याम साहू की रिपोर्ट। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्लिपर 28 डिजिटल मीडिया।